कोशिश ये रहती है कि आगे भी कुछ अच्छा करूँ, बस सबकी तरह मैं फोटो खींच कर फेसबुक पर नहीं डालता है, सबको खर्च करती है तब जाकर तुम्हारे गानों के व्यूज आते हैं, क्योंकि उनको अपनी कंपनी भी तो चलाना है। कह रहा हूँ मैं, झूठ नहीं कह रहा, मैं अपनी संस्कृति से अपने समाज से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जिसकी फिल्म अभी स्वागत करता हूँ अपने भोजपुरी ए टू जेड पर, और हमारे साथ खास मेहमान बहुत कुछ चर्चे में रहते हैं और इनके बारे में बताना हमारे लिए क्या क्या मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले स्वागत है भैया चैनल पे, और सभी दर्शकों को मेरी ओर से दिल से प्रणाम है। जो बड़े उनको प्रणाम है, जो छोटे उनको ढेर सारा आशीर्वाद है, खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने जीवन में खूब तरक्की करें। आपका भैया मैं काफ़ी दिनों से फिल्में देख रहा हूँ, और जितना आपका तारीफ किया जाए, क्योंकि हर सेट पर मैंने देखा है कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लीक हो जाए, कहीं देखे ड्रेस पहनते हुए आप बढ़िया कंठा उंठा पहन के चलते हैं, तो ये जो जितनी फिल्में आप बनाते हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाता है थोड़ा सबसे अलग ट्यूनिंग का आपका रहता है, तो ये कैसे क्या है कुछ दर्शक से बताना चाहें अपनी शेयर। देखिए, एक जीवन मिलता है, एक शरीर मिलता है, एक रूप मिलता है, एक रंग मिलता है। अब कभी अलग कपड़े पहन के, कभी अलग बातें करके, कभी आस्था की बातें करके, कभी मस्ती करके, कभी चमक दमक में जी के, किसी भी तरीके से अगर उस एक ज़िंदगी को, उस एक शरीर को आप बदल बदल के इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपने एक जीवन में अनेक ज़िंदगियां जी ली। तो मैं बस यही कोशिश करता हूँ। कौन सी फिल्म है और बस्ती में आप शूट कर रहे हैं, कुछ दर्शक को इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं? फिल्म का नाम है शोला शबनम 2। पहले भी एक फिल्म बन चुकी है शोला शबनम, ये उसी के प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर हैं फिल्म के शिव नारायण गुप्ता जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ये सपना उन्हीं का था, ये स्क्रिप्ट उन्हीं की थी, इस फिल्म के डायरेक्टर वही थे, पर उनका सपना आज की डेट में उनके दोनों बेटे स्वदेश और रोहित पूरा कर रहे हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फिलहाल प्रेजेंट में स्वदेश और रोहित जी हैं, और उनकी जो धर्म पत्नी है वो 24 घंटे जब भी शूट होता है वो उनकी फ़ोटो लेकर, गाना बंद करा दो, जब भी शूटिंग होती है तो उनकी पत्नी उनकी फ़ोटो लेकर, जिस फोटो को देखकर ये प्रतीत होता है कि साक्षात वो मुझे देख रहे हैं, अपनी पूरी यूनिट को देख रहे हैं और शूटिंग का पूरा आनंद ले रहे हैं, तो वो बैठी रहती हैं, और जब शूटिंग ख़त्म होती है वो उनको लेकर चली जाती हैं। कभी हमको ये फील नहीं होता कि वो हमारे बीच नहीं है। शिव भाई आप जहाँ भी हैं, आप अपनी शूटिंग तो देख ही रहे हैं, प्लस भाभी आपको बहुत प्यार करती हैं, ये भाव हमको समझ में आ गया, आप तो ज़िंदगी भर उनके साथ हैं। क्या किरदार है भैया इसमें, और जो आपका कुछ ऐसा, क्योंकि 20 दिन आपकी शूटिंग हो गई लमसम में, तो क्या ऐसा कोई किरदार मिला कि जिसको देख के आपको एकदम लगा कि नहीं पहली बार मैं इस तरह कर रहा हूँ कुछ? एक्चुअली हर किरदार नया ही होता है, चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जब भी आप एक नए किरदार में आते हैं तो आपको पूरी तरह खुद को चेंज करना पड़ता है, तो हर किरदार अपने आप में अहम होता है। अगर आप अहम निभा ना सकें, उस किरदार को आप अच्छा ना बना सकें, तो वो किरदार हल्का हो जाता है। अगर आप उसे अच्छा बना दें वो किरदार बड़ा हो जाता है। उसी भूमिका को लोग कहते हैं कि मनोज आर पांडे हों या कोई भी हो, कोई भी एक्टर हो, उसने उस किरदार को बाखूबी निभाया है। बहुत हैवी किरदार था, पर ये बंदा उस किरदार को निभा गया। क्या शूट हो रहा भैया, ये इतनी सजा हुआ है, कुछ बताना चाहेंगे इसमें कि बड़ी लाइटिंग वुटिंग लगी हुई है? एक्चुअली फिल्म का गाना शूट हो रहा है, ये गाना लोग बताते हैं शिव भाई की का फेवरेट सॉन्ग था ये, और चमक दमक है, तो आप समझ सकते हैं चमक दमक वहीं होती है जहाँ गाना बजाना हो या बहुत अच्छा मिजाज हो। अब अगर बहुत सारा ड्रामा होगा तो समझ लीजिए एक्शन है या कोई ड्रामेटिकल सीन है, बट जहाँ सजा धजा है वहाँ दीपावली का माहौल है, वहाँ तो खुशहाली होगी, और खुशहाली होगी तो सॉन्ग हो गई होगी। ऐसी सच कह रहा हूँ मैं, झूठ नहीं कह रहा, मैं अपनी संस्कृति से अपने समाज से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जिसकी फिल्म अभी कर रहा हूँ, ये समाज के वरिष्ठ पत्रकार थे जिनका नाम शिव नारायण गुप्ता जी था, समाज के एक ऐसे पत्रकार थे जिनके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज बड़े बड़े जो पत्रकार हैं इनके अंडर से निकले हैं, इनके जो शिष्य रहे हैं आज वो बड़े बड़े चैनल्स में सीनियर पत्रकार हैं, तो अगर मैं उनकी फिल्म का हीरो हूं तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं उनकी पसंद था और अभी भी उनकी पसंद हूं, क्योंकि उनके बच्चे भी मुझे बहुत पसंद, उनके बच्चे भी मुझे बहुत पसंद करते हैं, भाभी भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। लास्ट सवाल भैया कि कौन कौन सी फिल्में आपके आने वाले हैं, और कोई अपडेट नहीं आया है और ना तो उतना मीडिया के सामने आप बहुत कम भी आते हैं, तो लाइव सीधा आते हैं,
मीडिया के सामने नहीं बात होती है, लाइव पे बात होती है। तो कौन सी फिल्में अभी तैयार हैं और रिलीज पे है, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए पहले तो मैं बता दूं, मैं मीडिया के सामने इसलिए नहीं आता हूं क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते। नहीं नहीं, ज़्यादा फ़ोन, ज़्यादा व्हाट्सअप ये सब इस्तेमाल करो तो डायबिटीज़ आता है, पता नहीं कौन क्या टेंशन वाली बात करती है। और इस बीच में काफ़ी लोगों की मदद वदद भी कर देता हूँ मैं, तो मेरी भी एक सीमा है कि मैं सीमा भर ही किसी की मदद कर सकता हूँ, क्योंकि क्षमता के आगे कोई ज़्यादा, क्षमता से ज़्यादा कोई भार नहीं उठा सकता, तो क्षमता से ज़्यादा मैं भी किसी की मदद नहीं कर सकता। ईश्वर मुझे जो देता है उसी में से मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ, कोशिश ये रहती है कि आगे भी कुछ अच्छा करूँ, बस सबकी तरह मैं फ़ोटो खींच कर फेसबुक पर नहीं डालता है, सबको पता है। और मेरे बहुत सारे किस्से हैं, अच्छे किस्से जो सब, जिसको सब गाते हैं, उसको फेसबुक पर नहीं डालता। रही बात फिल्म आने की, तो फिल्में मेरी बहुत सारी आ रही हैं, अपडेट इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खाली फेसबुक पर ही फिल्में सुपरहिट हो जाएं। ठीक है, 4-10 आइडियाँ बनाकर एक क्या कहते हैं डिजिटल वाले, हाँ, 2-4 चांडाल डिजिटल वाले भी घूम रहे हैं, जो कुछ भी होगा तो भी बोलेंगे सुपरहिट है, सुपरहिट है, जैसे उनके पप्पा पैसा दे जाते हैं प्रोड्यूसर को। अच्छा, कभी ये हाल हो तो प्रोड्यूसर को पूछ लेना जाकर। कहानी मैंने कवरेज करा था, उत्तर प्रदेश में एक फिल्म रिलीज हुई, एक हाल में हुआ, मैं फिल्म का नाम नहीं लूंगा क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी, वो फेमस हो जाएगी। तो कंट्रोवर्सी बात थी कि वो एक हाल में लगा वो फिल्म सुपरहिट। हाँ, तो भाई कहते हैं ना कि हल्ला कह लो झूठे कि हम अपने बारे में इतिहास लिख लो, हैं कहने का अपने बारे में इतिहास लिख लो, अब उनको हिट झूठ झूठ हिट बोल दो 4 फेसबुक पे डाल के, कम से सब अपने आप को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बना लेते हैं। जब आप इतने पैसे कमा ही लेते हैं मेरे ख्याल से, या इतनी बड़ी हिट हो जाती है फेसबुक पे इनकी फिल्में कि 350-400 करोड़ तो कमा लेती होगी। यहाँ आप सोचो मौर्या कि इतने दुष्ट हैं कि अब मैं क्या बोलूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है। एक गाना आता है, इतने व्यूज़ भाग गए, तब तो म्यूज़िक कंपनियों को अरबों रुपये कमा लेने चाहिए। अरे डफर्स, म्यूज़िक कंपनियां तुम्हारे पीछे ना एड लगवाती है, तुम्हारे पीछे पैसे खर्च करती है, तब जाकर तुम्हारे गानों के व्यूज़ आते हैं, क्योंकि उनको अपनी कंपनी भी तो चलानी है कि नहीं चलानी। हम पढ़े लिखे शिक्षित हैं, मूर्ख नहीं है, और हमारी तरह इस समाज में पता नहीं कितने शिक्षित हैं, उनको भी पता है कि सच क्या और झूठ क्या है। तो ये झूठ का चोचला बंद करो यार, मेहनत से काम करो, ऐसा ना हो कि बैठे मिले खाने को, क्यों जाए कमाने को। दशहरा आ गया, नवरात्र आ गया, भैया क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? सबको यही शुभकामना दे, दशहरा और जितने भी त्यौहार हैं सबके लिए यही शुभकामना देना चाहेंगे कि अपनी संस्कृति को संभाल के रखिए, अपने संस्कार को बचा के रखिए, अपने देश को प्यार करिए, अपनी गरिमा को बचा के रखिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।